Top 20 News is brought to you by Aura Fine Jewelry. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 43 सीटों के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को सीबीआई ने आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है। सुबह में लगातार हो रही बारिश और उससे उपजी बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली। गुजरात के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है और मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ के कांग्रेस सांसद वसंतराव चव्हाण का निधन हो गया है। 82 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। बताया जा रहा था कि काफी लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। छात्रों का हंगामा जारी है। नौकरियों के राष्ट्रीयकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। देशभर में कान्हा के जन्मोत्सव पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी SBSP ने महाराष्ट्र में 22 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। राज्य में इस साल के अंत तक चुनाव होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खुद को बीजेपी विधायक का पीए बताकर शख्स ने जेल में बंद कैदियों के परिजनों से ठगी की है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार की कैबिनेट की बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने का फैसला किया है। बैठक में सीएम शिंदे और फडणवीस शामिल थे। बीजेपी की ओर से वर्ली में परिवर्तन दही हांडी का आयोजन किया गया है। वर्ली के जम्बोरी मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह धार्मिक और राजनीतिक रंग दिख सकता है। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी MNS के प्रमुख राज ठाकरे ने NCP SP प्रमुख पर हमला बोलते हुए कहा कि शरद पवार ने महाराष्ट्र में तोड़फोड़ की राजनीति और जातिभेद की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त को महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख लखपति दीदी को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कई महिलाओं से स्कीम से जुड़ने की बात उनका अनुभव पूछा। महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके इस भाई ने, आपकी बेटी ने एक संकल्प लिया है। मैंने तय किया है कि कुछ भी हो जाए, मेरे देश की माताओं, बहनों और बेटियों की हर मुश्किल को कम करके ही रहूंगा। साल 2024 पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। साल अभी खत्म भी नहीं हुआ है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की झोली में 3 शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गए हैं। सोमवार को शेयर बाजार की चाल तेज है और सेंसेक्स निफ्टी में उछाल देखा जा रहा है। बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेजी देखी जा रही है। IT स्टॉक भी आज ऊपर है। शेयर बाजार की इस तेजी में कई स्टॉक आपको अच्छी कमाई करा सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म अरिहंत कैपिटल ने ऐसे ही कुछ शेयरों के बारे में बताया है और उनमें टाटा और अडानी के शेयर भी शामिल है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो ने एक बार फिर एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसके जरिए आपको अपने खाने को 2 दिन पहले ही शेड्यूल करने की सुविधा मिलेगी। सेटू के सरकटे के आतंक से बॉक्स ऑफिस थरथर कांप रहा है और सिनेमाघर भी दर्शकों से भरे पड़े हैं। ऐसे में सेटू ने दूसरे संडे भी धुआंधार नोट छापे हैं। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC न्यूज़। नमस्कार।